अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमने क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद बस 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वेयर, और थर्ड 1 क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इन 3 मेथड से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करेंगे। ये मेरे पास एक फैक्टराइजेशन, मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, 17x4 - 32x17x2। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन है उसको आपने फैक्टराइजेशन करनी है, या कंप्लीटिंग स्क्वेयर या फार्मूला यूज करना है, तो उस एक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। और ये मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या जरूरी है, एक साइड पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो एक साइड पर जीरो सारी टर्म्स इधर होंगी, तो देन हमारे पास ये इस अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होगी देन उसपे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले मैंने क्या करना है, फॉर्म में लेकर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है, हमने ये प्लस 4 है, इसको इधर ले आएंगे, इधर आके ये क्या हो जाएगा, -4, और ये -32x है, इसको इस साइड पर ले आएंगे, इधर आके ये क्या हो जाएगा, +32x में 16 हो जाएगा। यानी कि इसको हमने ऐसे किया, ठीक है, ठीक है, एक साइड पर 0 रह जाएगी, और ये -17x वैसे रहेगा, 17x के वैसे ही रहेगा। ठीक है, -32x है, उधर जाके ये किस में चेंज हो जाएगा, +2 में। ठीक है, और ये +4 है, इधर आके ये किस में चेंज हो जाएगा, -4 में। ठीक है, ये मेरे पास अब ये क्या हो गया है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म।